रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। तो आज जो आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे जो बच्चे आर्मी के अंदर निकलते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो फेलियर भी होते हैं, कुछ पास भी होते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं पूरा बताएंगे वो यही है कि एक ऐसे बच्चे से आपको मुलाकात कराते हैं जिसने TA आर्मी भर्ती में 100 नंबर का फिजिकल निकाला और मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। मतलब उसको डाउट था कि अब मैं आर्मी की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो जानिए आज की इस पूरी वीडियो के अंदर कैसे पूरा क्या होता है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। मैं गौरव फिजिकल एकेडमी से, मेरा आर्मी फिजिकल क्लियर हो गया है। जब हम आर्मी की तैयारी करते थे तो पहले हम अकेले तैयारी करते थे। जैसे कि जैसे हमने अकेले तैयारी की तो हमारी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी जितने कि पहले हम अकेडमी में आने के बाद आई। तो पहले कि हमारी 6 मिनट आती थी ऐसी टाइमिंग कमी नहीं हुई। धीरे धीरे हम अकेडमी में आए, हमें भैया ने काफ़ी प्रैक्टिस कराई जिससे कि हमारी काफ़ी टाइमिंग डाउन हुई। इसलिए आप भी ऐसा करिए, आप अकेडमी जाइए जिससे आपकी टाइमिंग काफ़ी डाउन हुई, क्योंकि अकेडमी में आपको शेड्यूल रहता है और आपके ऊपर प्रेशर रहता है थोड़ा सा कि ये करना है वो करना है। आप अकेले करते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता जिससे कि आपकी टाइमिंग डाउन नहीं हो पाती और आप कुछ भी मन में आते हैं वो लगा लेते हो वर्कआउट। और अकेडमी में जाने से ये है कि गौरव भैया जो हमें कराते थे ना, शेड्यूल से कराते थे, इस दिन ये कराना वो उनके पूरे शेड्यूल में है किस दिन एक क्या कराना है। क्योंकि आर्मी की तैयारी सबसे बेहतर गौरव फिजिकल अकेडमी में होती है, मैंने माना है, क्योंकि मैंने काफ़ी फिजिकल अकेडमी बारे में सुना और कई बार एक ही दो फिजिकल अकेडमी देख के भी आया। मतलब ऐसे ही घूमने गया था तो उस जगह पर गया देखने, तो मुझे लगा कि गौरव फिजिकल अकेडमी से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो खुद स्वयं दौड़े करवाते हैं और बाकी कोच मैंने देखा है बैठ रहते हैं, खड़े रहते हैं और बंदे से बोल देते हैं, लड़कों से बोल देते हैं कि आप करो ये करो, लेकिन गौरव फिजिकल अकेडमी में ऐसा नहीं होता। वो खुद तैयारी कराते हैं, खुद साथ में दौड़ते हैं, बच्चों के साथ मेरे साथ दौड़े हैं वो। मुझे पता है कि गौरव भैया जितनी मेहनत करते हैं और कोई अकेडमी वाला इतना मेहनत नहीं करता। आर्मी ऐसे ही नहीं निकलती, बच्चों करते हैं ना, जो लड़के अकेले करते हैं ना तैयारी रहते हैं, मेरी 5 मिनट आती है और भी रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बैठना सब कुछ सिखाते हैं गौरव फिजिकल अकेडमी में, क्योंकि भैया को पता है इस चीज़ का। उनके यहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हैं आर्मी में, अभी भी आर्मी में हैं और हमारा ही फिजिकल अभी क्लियर हुआ है। 30 बंदों का फिजिकल क्लियर हुआ था हमारा शिवपुरी वर्दी में। इसलिए आपसे यही है कि आप एक साथ तैयारी न करें, आप अकेडमी में तैयारी करें जिससे आपकी अकेडमी तैयारी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। क्योंकि अकेडमी में जाने से आपकी वो रहती है ना, आपकी मनमर्जी नहीं चल पाती, यहाँ से आपकी अपनी कोच पे छूट जाते हैं, कोच जो कराता है ना फिर उस पे शेड्यूल, क्योंकि कोच है जो अपने उसका भी बना सकता है ना कि अपन तो कुछ ना कुछ गलती कर ही जाते हैं, लेकिन गौरव भैया जो है एक एक बात पर ध्यान रखते हैं हमारी, एक एक बात पर कि कौन क्या गलती कर रहा है, किस टाइम पर क्या करना चाहिए, गौरव भैया एक एक बात पर ध्यान रखते हैं। यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे एक स्टूडेंट नहीं तरह सभी दोस्तों को अपने भाई की तरह ट्रेंड करते हैं। आप सभी से ठीक, क्योंकि गौरव फिजिकल अकेडमी सबसे बेस्ट अकेडमी मानता हूँ मैं तुम, क्योंकि वहाँ से मेरा फिजिकल के लिए TA भर्ती भुवनेश्वर का मैंने 100 का मारा था एक्सीलेंट, लेकिन मैं मेडिकल में अनफिट होने की वजह से बाहर हो गया। अब शिवपुरी भर्ती का फिजिकल 100 का मारा था, वो भी गौरव भैया की देन है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कराई, बावजूद मेरा दिल तो टूट ही गया था, मेरा मन नहीं करता था कि मैं आर्मी तैयार करूँ, लेकिन उनके मोटिवेशन से मुझे फिर से जुड़ने मिला भुवनेश्वर भर्ती के बाद। उन्होंने कहा हाँ तू कर सकता है, तेरा मेडिकल फिट होगा, तो मुझे देख लो अब मेरा मेडिकल भी फिट है, लेकिन अब मैं रिटर्न की तैयारी कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा जो हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार इस वीडियो में पूरा बताया गया है कि कैसे TA आर्मी भर्ती में आप अनफिट हो जाते हो लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हो, फिर आपने एक मौका मिलता है, आप सोचते हो कि रास्ता हमें जाने के लिए वही है लेकिन हिम्मत भी नहीं हारना है। अगर आपको एक भर्ती में अनफिट कर दिया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली भर्ती में आपको अनफिट कर दिया जाए। कभी कभी हमारा लक होता है जिसकी वजह से हम भी बाहर हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे TA भर्ती में फेल होने के बाद मेडिकल में GD भर्ती अगले 1 महीने बाद जो थी उसमें पास होकर दिखाया है। ऐसे ही एक वीडियो और है, संदीप एक और बच्चा है संदीप, उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। TA आर्मी भर्ती में उस बच्चे का मेडिकल फेल था, इसके बाद उसने GD भर्ती कैसे निकाली है। तो ऐसी मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि TA भर्ती में अगर हम अनफिट हैं तो GD भर्ती नहीं दे पाएंगे, या सोचते हैं कि GD भर्ती में अगर हमारी हाइट में भार कर दिया गया है
तो हम आर्मी में नहीं जा सकते। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप 160 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, टीए भर्ती में आइए, आप टीए भर्ती निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ में अगर आप इन वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या ऐसी सीरीज यूट्यूब के माध्यम से आपको अभी तक मिली है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारा मोटिवेशन आपका करना उद्देश्य है कि जो बच्चे भी घर में बैठे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो उठें, क्योंकि उनका लक्ष्य ही एक ही है, इंडियन आर्मी में जाना। तो वो खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आप लोगों के लिए निरंतर ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आपको जाना ही आर्मी में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से हम दे पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग अभी नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।